Say hi to my family. Hello. Warm water with the lemon, guys. Good morning, everyone. Welcome back to my new vlog. अभी जुकाम हो गया आज तो गाइस, वो पहले से बनक लग गए थे उसके लिए, वो गले में खारास वगैरह था, सो जुकाम आ गया है आज रात को। थोड़ा सा परेशान हुआ कि कफ वगैरह जमा हो गया है, सो इट्स ओके। आज है तारीख 4th of February 5, 6, 7th को सब निकल जाएगा। सर्दी ज़्यादा तो 2-3 दिन रहती है, उसके बाद सही हो जाती है। सो हम उसके प्रिकॉशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो मैं भी ये किया, 2 दिन में निकल गया। क्या अच्छा लग रहा है भाई, अंदर जो पानी जाता है ना गरम गरम, क्या अच्छा लग रहा है। और सुबह में तो भाई क्या मस्त वेदर है। लियो हमारा वहाँ पे घूम रहा है लक्ष्मण के साथ, नहीं ये अपना लियो नहीं है, हमारा लियो किधर है, हाँ देखो ये आया। सो गाइस वही, अभी आज जाना है 10 बजे, एक काम है, उससे पहले स्टारबक्स जाएंगे भाई और बैंड के साथ। सो अभी तो टाइम हो रहा है 7:30, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो। सो लेट्स सी क्या करते हैं। टाइम इज 9:37 और अभी कॉफ़ी पी के मस्त आ गए हैं। मैंने, भैया ने और बहन के लिए पार्सल लिया है, बहन को कोल्ड ड्रिंक पसंद है उसके लिए वो ले आया है। मैंने अभी 10 बजे 9:30 बजे 10 बजे निकलना है, एक और काम है, और मैं भाई सब लोग जा रहे हैं। या पहुंच ही जाओ, इट्स इजी। ये वाले भैया को पहचानते हो, हम गए थे पूल वाले घर में, स्विमिंग पूल वाले घर में, वही वाले भैया। से हाय टू माय फैमिली। हेलो। इस फुल चार्ज करके रखे है, लेट्स सी क्या उसकी माइलेज देती है एंड ऑल दैट। ओके, अरे बंद हो जा भाई, देखो ये इकोनॉमी मोड, उसमें 353 किलोमीटर की रेंज देती है, और इसको यस कर दो, देख लो गाइस, अगर एसी ऑन करेंगे 318 की रेंज देगी, इट्स नॉट बैड गाइस, बहुत ही अच्छी रेंज है। मैं आपको बताऊँ ना, मैं जैसे भी चलाऊँ, स्पीड में धीरे वगैरह कुछ भी, मार ठोक के 300 किलोमीटर की तो रेंज दे ही देती है आराम से। आप जितनी ज़्यादा चलाओगे ना, उतनी ज़्यादा माइलेज उभर के आएगा, मीन्स अभी 300 की है तो इन फ्यूचर 350 की हो जाएगी एंड ऑल दैट, वो बढ़ती रहेगी। एज आई टोल्ड यू 10 बजे जाना है, तो 9:45 को निकल चुका है। ऑलवेज आई एम बिफोर टाइम निकलना मुझे पसंद है, बिकॉज वहाँ जाके 10 मिनट बैठे तो वो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ किसी को वेट करवाए आई डोंट लाइक दैट। सो उसी के लिए हम चुके हैं निकल, और ये तो भाई पूरा जैगवार की फील देता है, रिवर्स कैमरा न्यूट्रल एंड डी पार्किंग, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग वाली है। इसमें खास बात पे क्या है पता है, जब आपने बेल्ट नहीं लगाया तो ऑटोमेटिक ये लग जाती है, देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो डी पे है, मैंने बेल्ट नहीं पहना अभी, देखो ये ओके। सो ये अभी आगे जाएगी नहीं, देखो अब जैसे मैं बेल्ट पहनूंगा ना कुछ नहीं करूंगा, देखो ये हाथ एक इधर है, ये बेल्ट पहना मैंने ओके, ये किधर है, ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक छूट जाती है, मींस निकल जाती है। सो दिस इज अ गुड फंक्शन इसका, और ये ऑटो होल्ड है, वैसे ही डी पे है लेकिन आगे नहीं जाएगी, ऑटो होल्ड हो गई। सो ये कार की चीज मुझे बहुत पसंद है। टाइम इज 2:30, मींस 2:30 बजने आए हैं, और वो सब जो काम निपटाना था वो सब कुछ निपटा के आ चुके हैं घर। अभी थोड़ी देर हम सो जाएंगे, और हमारा जो काम था वो फिनिश हो गया। उसके बाद मेरे को क्या बोलना था, आज है 4th तारीख और कल हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए सुबह में। सो कल बाल और बियर्ड हो जाएगी,
हुए काम खत्म और अभी दिन गिने चुने बाकी है सिर्फ। और गाइस हाँ, एक अच्छी बात क्या हुई कि इंडिगो मेरी फ्लाइट थी गोवा के लिए, तो रिटर्न में कुछ ऐसी ग्लीच आई उन लोगों में या फिर कुछ उन लोगों ने डिले किया या कैंसिल किया, आई डोंट नो। तो वो लोग घुमा घुमा के ले जा रहे थे गोवा से हैदराबाद, हैदराबाद 4 घंटे का ले ओवर, देन हैदराबाद से सूरत। तो मैंने सोचा ये भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैंने वो कैंसिल कर दी, रिफंड आ गया। देन 15 को आने वाला था तो एक दिन प्लस कर दिया और 16 को आया, मीन 16 की बुक की मैंने। तो 16 को आऊँगा यानी फ्री, पहले 3 डेज जाने वाले थे और अभी 4 डेज जाएंगे। सो फाइनली आपको मैंने रिवील कर दिया है कि मैं जा रहा हूँ गोवा और ऐसा ऐसा सीन हुआ। सो एक दिन मैंने प्लस कर दिया यानी 4 नाइट 5 डेज हो गया है। तो सब कुछ हो गया है, होटल का बुकिंग भी हो चुका है, फ्लाइट का बुकिंग भी हो चुका है, दैट्स ग्रेट। एक दिन ज़्यादा मिलेगा मुझे। सो गाइस नाउ टाइम इज 5 o'clock इन द इवनिंग, लाइक अभी तो आँख में भी नींद है गाइस, अभी जस्ट उठा, जस्ट मैंने मुंह धोया है, डायबिटीज हो गया था। मैंने बोला 4-7 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन नहीं, अभी 5 बजे उठ रहा हूँ और अभी कुछ प्लान नहीं है। अभी मैंने वार्म वाटर विद लेमन गर्म करके रखा है टेबल पे, और बाहर बहुत ही भाई मेहमान लोग आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ आना पड़ा व्लॉग बनाने के लिए। तो बाहर बहुत काई पीच होता है, तो कोई बात नहीं, अभी कुछ भी काम होगा आई विल लेट यू नो गाइस। बाकी सब मस्त चल रहा है, सो फार सो गुड, एकदम स्मूथ चल रहा है अभी तक। तो पहले चलो लेते हैं वार्म वाटर विद लेमन, सॉरी गाइस। टाइम इज 9 o'clock, 9 बजने आ रहे हैं रात को, और राधा के साथ एक दो और काम बाकी था, ये कुछ लेने का था भाभी का भी, सो वो सब काम निपटाने गया था। एंड जो कल फटाके लेने गए थे परसों या कल, आई डोंट नो, तो उसमें एक दो चीज़ बाकी रह गई थी तो वो भी लेना था, सो वो भी लेके आए। उसमें जो फोड़ने वाले फ्लावर्स वगैरह निकलते ना, वो लेना बाकी रह गया था, तो वो भी लेके आए हम। अब सीधे जाएंगे घर, घर पे मेहमान वगैरह आए, दोस्त लोग भी आए, तो मुझे फ़ोन आया कि भाई किधर है तेरे शादी है और तू भाई बाहर घूम रहा है, सो वही अब सीधा घर जा रहे हैं। और भाई काम, अभी तो जाके सोने का मन कर रहा है, लेकिन कल सुबह जल्दी भी उठना है 6:30 बजे, बिकॉज बाल खटानी चाड़ी है, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। चलो गाइस, तो फिर आज का कितना हुआ आई डोंट नो, 5, 7, 10 जो भी मिनट हुई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दैट वीडियो, इफ यू लाइक दैट वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट में आपको जो लिखना है व्हाट एवर यू वांट टू राइट गाइस, गो एंड राइट डाउन बिलो, ओके, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब एंड डू फॉलो मी इंस्टाग्राम। कल के लिए स्टेटमेंट, आज के लिए बाय।